सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है टॉप नेकबैंड के ऊपर, और आपको ये सभी नेकबैंड अमेजॉन के टॉप सेलिंग में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने प्राइस सेगमेंट सेलेक्ट किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 300 के प्राइस के अंडर में जो नेकबैंड आते हैं और जो सबसे ज्यादा बिका हुआ है, वो आपके लिए लेकर आए हैं। अब ये जो नेकबैंड है, ये अच्छा भी है या जस्ट आपको फेक रिव्यू दिया जा रहा है, सभी चीज़ बताएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा नेकबैंड यूज करता हूँ डेली लाइफ में, वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिए। ओके गाइस, सो गाइस मैं आपको वर्स्ट टू बेस्ट बताऊंगा। तो यहाँ पे जो सबसे वर्स्ट है, ये आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये जो नेकबैंड है, ये मुझे सबसे वर्स्ट लगा है, और इसका जो प्राइस है बहुत ही कम है गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स कंटेंट में देख लेते हैं कि 140 रुपये का जो नेकबैंड आता है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है। बॉक्स ओपन करते हैं, यहाँ पे रखा गया नेकबैंड, और एक आपको यहाँ पे चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है, और इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसके हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेकबैंड कुछ इस तरह से रखा गया है। वाह, क्या कलर है, ब्लैक एंड रेड का कलर है पूरा। ये प्लास्टिक का लग रहा है, एंड पीवीसी प्लास्टिक होता है ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही बेकार है। इसके बाद जो वायर का क्वालिटी ओवरऑल ठीक ठाक है, और जो ये स्पीकर है पूरा प्लास्टिक यहाँ पे दिया गया है। प्राइस भी काफ़ी कम है, 140 रुपये में तो ईयरफोन भी अच्छे नहीं आते, फिर ये कैसे आ सकता है। अच्छा, अब बात करो इसके साउंड का, तो यहाँ पर जो इसका साउंड था गाइस, ढोलक बज रहा था ऐसा मुझे लगा है, तो साउंड बिल्कुल बेकार था। और माइक का क्वालिटी यहाँ पे डिसेंट सा मुझे लगा है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था और ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगा है, लेकिन जो साउंड है ये बहुत ही बेकार था, बिल्कुल भी आप इसे नहीं ले सकते। यहाँ पे आपका 140 रुपया भी वेस्ट चला जाएगा, तो बिल्कुल बेकार ये नेकबैंड है, इसे मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। बैटरी वगैरह भी अच्छा नहीं चलेगा गाइस। ओके, चलिए आते हैं नंबर 4 पे। अब जो नंबर 4 का ये जो नेकबैंड है, ये भी कुछ इसी तरह से बॉक्स पैकेजिंग किया गया है। अब इसमें किस तरह से आपको देखने मिलता है, सबसे पहले यहाँ पे रखा गया है डॉक्यूमेंटेशन, इसे हम अभी नहीं देखेंगे, कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे एक चार्जिंग केबल जो कि माइक्रो यूएसबी होने वाला है, सेम उसमें भी दिया गया था। और जो इसका क्वालिटी है, थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू पहले वाले से। अब यहाँ पर जो इसका, ये सिर्फ वायर ही मुझे लग रहा है, नेकबैंड के नाम पर सिर्फ वायर दे दिए ऐसे लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए रबर टाइप का, ताकि आपके नेक में कम्फर्टेबल हो। तो यहाँ पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, केवल क्वालिटी भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पर जो सारा बटन वगैरह, ये कुछ इस तरह से म्यूजिक को आप प्ले पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम प्रीवियस कर सकते हैं, एंड इंडिकेटर बटन भी दिया गया, और चार्जिंग इंटरफेस साइड में है। और इसके बाद जो ये क्वालिटी है, बहुत ही बेकार है, प्लास्टिक भी बहुत ही गंदा लग रहा है। ये 240 रुपये का आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो साउंड है गाइस, इसका भी साउंड आपको कुछ वही ढोलक टाइप ही लगेगा। मतलब ढोलक टाइप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका साउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा लगेगा बेस फटाफटा सा आ रहा है, ट्रैवल ना क्लियर है ना वोकल क्लियर है, तो साउंड इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आपका 250 रुपया पूरी तरह से बेकार जाने वाला है, और बैटरी भी आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पे नंबर 3 पे गाइस। अब गाइस, जो मैं आपको अभी नेकबैंड दिखाने वाला हूँ, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कंपनी ने क्या सोचकर ये नेकबैंड बनाया था। ये जो नेकबैंड है, ये कुछ इस तरह का दिखता है, दिखता तो बहुत ही अच्छा है यार, ग्रीन कलर है एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में तो अलग ही दिख रहा है। बॉक्स में से निकालते हैं, बॉक्स का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। इसका कलर और भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ग्रीन है एंड ब्लैक है। बॉक्स में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर नेकबैंड रखा गया है, इससे निकालते हैं और भी आपको कुछ देखने को मिल जाता है। इसके बाद सॉरी, इनका लाइक वगैरह करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन है जिसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। ये जो नेकबैंड है, कंपनी ने यहाँ पे कोशिश किया कि मैं ईयरफोन बनाऊँ या नेकबैंड बनाऊँ, वो कंफ्यूज हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो डिजाइनर थे या जो भी इनको बना रहे थे, वो कंफ्यूज होकर क्या सोचे, दोनों चीज़ बना देते हैं यार, तो ये ईयरफोन भी बना दिए, नेकबैंड भी बना दिए। बट ये आप डिज़ाइन देखो गाइस, ये कुछ इस तरह से है जिसे आपको इस तरह से कर लेना है, इसके बाद आपको लगाना है कान में, एंड उसके बाद आपको इसे वायरलेसली कनेक्ट नहीं करना है, आपको इसको आपको वायर्ड अब इसे आपको वायर के हेल्प से, यानी कि 3.5 mm जैक दिया गया है, इससे आपको गाना सुनना है। मतलब नाक ऐसे नहीं छूना है, नाक ऐसे करके तब छूना है। कंपनी ने यही कोशिश की, बट यार बिल्ड क्वालिटी जो यहाँ पे इन्होंने दिया है 300 के हिसाब से, बहुत ही अच्छा दिया है। बिल्ड क्वालिटी मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है, बट यार कुछ तो सोचना चाहिए यार कि थोड़ा सा अच्छा देते। केबल का क्वालिटी भी ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कुछ इस तरह का वियर्ड टाइप नेकबैंड चाहिए तो आप ले सकते हो, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, क्योंकि बैटरी डाउन ही नहीं हुआ गाइस, आराम से ईयरफोन की तरह आप यूज कर सकते हो। अब जो इसका ड्राइवर है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साउंड क्वालिटी बताऊँ तो मतलब ओवरऑल जो साउंड है, एज ईयरफोन में इसे देखूँ तो साउंड क्वालिटी थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था। नेकबैंड तो है ही नहीं, तो नेकबैंड के हिसाब से मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था, लेकिन इन्होंने बिल्ड क्वालिटी देकर इनका साउंड थोड़ा सा मतलब ख़राब कर दिए ऐसा लग रहा है मुझे। तो ओवरऑल मैं भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 300 रुपये में आपको अच्छा खासा ईयरफोन देखने को मिल जाएगा, जो कि बोल्ट का आता है, 300 समथिंग प्राइस है, और बहुत ही अच्छा होता है ईयरफोन। ओके गाइस,
अब ये जो नेकबैंड है ये नंबर टू पे आता है क्योंकि इसका जो बैटरी है ये काफी अच्छा है। इस प्राइस रेंज में ये आपको देखने को मिल जाएंगे 300 रुपये में। और यहाँ पे बॉक्स कुछ इस तरह का, जैसा आप देख सकते हो, ब्लू एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, और इसे आप कुछ इस तरह से हैंग भी कर सकते हैं। चलिए बॉक्स में से निकालते हैं नेकबैंड। यार ये लोग नेकबैंड में ईयर टिप्स नहीं दे रहे हैं, सस्ता इसलिए या देते नहीं है? देते तो जरूर है बट इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। अब इसका जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ा सा बेटर है, लेकिन 300 के प्राइस के हिसाब से देखो तो यहाँ बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया है। और इसके बाद यहाँ बटन है, जैसे वॉल्यूम को आप ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, एंड इसके बाद नेक्स्ट टाइम प्रीवियस भी कर सकते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं, और कॉल भी रिसीव एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो माइक का क्वालिटी ये मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा इस। और इस साइड में आपको एक चार्जिंग इंटरफेस भी दिया गया है, और इसका नीचे एक माइक आपको देखने को मिल जाता है। अब जो ये वायर का क्वालिटी ये थोड़ा सा मुझे चीप लग रहा है, तो एक बार भी ऐसे खिंचाया तो बस चला जाएगा वायर। अब ये कान में फिट का बात करूँ तो ये मुझे अच्छा लगा है, फिट काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। अगर आप रनिंग वगैरह करते हो तो ये गिरेगा नहीं, और काफ़ी लाइट वेट भी है। ओके गाइस, तो बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा ही है, ब्लैक कलर का ये दिखता है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे साउंड का। अब गाइस जो इसका साउंड है, यहाँ पे ट्रैवल वोकल एंड मैं बेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो ट्रैवल ठीक है, बेस थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगा है, एंड वोकल थोड़ा सा और क्लियर हो सकता था, बट 300 जो प्राइस सेगमेंट है इस हिसाब से इसका जो साउंड है ये अच्छा लगा है मुझे। एंड कॉल वाइज भी जब मैं गया तो माइक का क्वालिटी जो यहाँ पे इन्होंने दिया है ये बहुत ही अच्छा था। मतलब माइक का जो क्वालिटी, ऐसा आपको लगेगा जैसे ईयरफोन से बात हो रही है, ऐसा आपको सुनने को मिलेगा कॉल वाइज। तो मेरे समझ से ये 300 में बेस्ट एक ईयरफोन है, इसे आप ले सकते हो। अब बात करो यहाँ बैटरी लाइफ का, तो आपको इस नेकबैंड को 2.5 घंटे चार्ज करने पड़ेंगे, और आप लगभग 7 से 8 घंटे तक आराम से आप म्यूजिक सुन सकते हो, 5 घंटे तक आप कॉल पे भी रह सकते हो। अब इसमें जो माइक दिया गया ये काफ़ी अच्छा है, और प्लस में एक चीज़ जो दिया गया है 300 में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ये जो है ये मैग्नेट से इस तरह से अटैच हो जाता है जो हमेशा कनेक्ट रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर इसमें दे दिया गया है। तो ये नेकबैंड आप कंसिडर कर सकते हो, 300 अगर आपका बजट है तो ये आप ले सकते हो। नंबर वन पे आते हैं, बट जो नंबर वन है ये कोई 300 का नहीं होने वाला है। ये जो नेकबैंड है ये मैं अपने डेली लाइफ में यूज करता हूँ। ये जो नेकबैंड है ये आता है विंग्स के तरफ से, स्लिंग 100 नेकबैंड, और ये कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 10mm का ड्राइवर, 80ms का लो लेटेंसी भी दिया गया है, यानी कि गेम भी आप खेल सकते हो, ब्लूटूथ 5.1 दिया गया है, बहुत ही अच्छा नेकबैंड है, साउंड क्वालिटी भी अच्छा है। एक बार बॉक्स में से निकालते हैं, इसे मैं सुन रहा था, अभी बॉक्स में रख दिया हूँ ताकि अच्छा लगे आपको। अब ये जो कलर है ब्लू कलर है, और जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे इन्होंने दिया है ये काफ़ी अच्छा है, आपके यहाँ पे कोई भी रेसेस नहीं आएंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से ये कनेक्ट भी रहता है जब आप नेकबैंड को कुछ इस तरह से मैग्नेट से अटैच कर देते हो तो। और यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड के लिए भी कुछ दिया गया है, जो आप ये देख रहे हो इसे आपको लगाना है जब आप जिम में भी रहेंगे या रनिंग कर रहे हैं, ये आपके कान में से गिरेगा नहीं, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। अब बात करते हैं इसके यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी का, तो बिल्ड क्वालिटी जैसा आप देख सकते हो रबर का फिनिशिंग है, और काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी इन्होंने दिया है। अब जो ये एरिया है यहाँ पे भी मेटल यूज किया गया है, तो बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल इस नेकबैंड का काफ़ी अच्छा है, और डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सारा बटन दिया गया है, वॉल्यूम को आप कम और ज़्यादा कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो, माइक भी दिया गया है, चार्जिंग इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और जो चार्जिंग इंटरफेस इन्होंने दिया है ये टाइप सी होने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जैसा आप देख सकते हो टाइप सी आपको चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है, और कुछ ईयर टिप्स भी दिया गया है। तो ये जो नेकबैंड है बिल्ड एंड डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी का, तो इसमें जो साउंड है बेस काफ़ी अच्छा है, एक बेस टाइप आपको फील होगा, इसका ट्रैवल एंड वोकल भी काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है, तो ये जो नेकबैंड है साउंड क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है। गाइस आप बात करो इस नेकबैंड के बैटरी लाइफ का, तो यहाँ पे आपको 2 घंटे चार्ज करने और 20 घंटे तक आप इसे यूज कर सकते हो। मैं जैसे यूज कर रहा हूं मुझे लगभग इसका बैटरी लाइफ 18 घंटे के आसपास देखने को मिल रहा है, तो बैटरी काफी अच्छा है। और एक चीज जो इसमें काफी यूनिक लगा है मुझे, जब कॉल आएगा किसी का तो ये वाइब्रेट करता है, तो ये काफी अच्छा फीचर इसमें दिया गया है। तो ये जो नेकबैंड है आप ले सकते हो, बट इसका थोड़ा प्राइस ज्यादा है, 1000 रुपये तक आपको देखने को मिलेगा, 1000 से 1100 के आसपास, लेकिन ये जो नेकबैंड है वर्थ इट है उस प्राइस सेगमेंट में। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ये ले सकते हो, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो ये जो नेकबैंड मैं आपको बताया हूँ अरोमा का जो नेकबैंड है ये आप ले सकते हैं। सभी नेकबैंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर आप ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, माइंड में कोई क्वेश्चन इस सभी नेकबैंड के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो इन्वेंशन डिस्ट्राइक को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता आ सके। मिलते हैं फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।